भाई साहब इधर से एंट्री होगी अभी जो अंदर ही अंदर एंट्री होगी, परेशान मत हो। अभी इधर से एंट्री होगी भाई साहब, इधर से एंट्री अभी अंदर अंदर। भाई रुक जाओ अंदर उधर से एंट्री होगी। अरे यार रुक जाओ उधर से निकलोगे। उसी तरह से एक नई पारी शुरू करने जा रहे हैं, तो हम जो है अब जो है मिलजुल कर भाजपा का हाथ मजबूत करेंगे और जो है देश हित के अंदर काम करेंगे। उधर से एंट्री होगी, रुक जाओ अभी उधर से। और इसने लो देखिए मेरी बात सुन। ओ कृपा सर मारी तो रुक ना ये भाई बना दे भाई कर अच्छा सर मैंने कुर्ते पाए ला दे। खादे भाई सुभाष जी सुने ओ भाई मैं ये बोला कर नहीं बस सुनाई दे Thank you.
डिजिट चला दे, वन कट चला दे। मैडम नीचे करना मोबाइल आप यार क्या कर रहे हो इसको इतना तो कर ही सकते श्रीमान जी मोबाइल नीचे कर लीजिए आप नीचे ऊपर कर रहे हो हम भी ऊपर रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जन नेता केंद्रीय मंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी उपस्थित है। बगल में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री तरुण चौधरी हैं, हरियाणा सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी हैं, हमारी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय मंत्री और सांसद श्री सुरेंद्र सिंह नागर जी भी आपके बीच हैं, और यह जो उत्सव पूर्वक माहौल आप देख रहे हैं हरियाणा के लोकप्रिय नेता श्रीमती किरण चौधरी जी यह माहौल है। मैं आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी नायब सिंह सैनी जी तरुण चुग जी और सुरेंद्र सिंह नागर जी से आग्रह करूंगा, मेरा आग्रह है माननीय मनोहर लाल खट्टर जी से कि किरण चौधरी जी को सर्वप्रथम पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराएं, तब पंजाब चौधरी जी का Yeah.
मंत्री का अभिवादन करें और हमारा हमें संबोधित करें माननीय मनोहर लाल खट्टर जी। एक ऐतिहासिक दिन माना जाएगा कि जब हमारे वरिष्ठ नेतृत्व जिसमें हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री तरुण चौधरी, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के नेता प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी और सुरेंद्र नागर जी जो सह प्रभारी है हरियाणा प्रदेश के, आज पार्टी में दो बहुत प्रमुख हस्तियां वर्षों तक इन्होंने भले ही कांग्रेस में काम किया, लेकिन मैं तो ये मानूंगा कि शरीर कांग्रेस में रहा होगा, मन हमेशा भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि मेरा परिचय मैं किरण जी से, श्रुति जी से तो इतना ज्यादा परिचय पहले नहीं था, लेकिन अभी हुआ। लेकिन किरण जी से परिचय उस समय से जब चौधरी बंसीलाल जी के साथ हम मिलकर के काम करते थे, 1998 की बात, और लगातार हमारे विधानसभा में चुके 9.5 साल तक मुख्यमंत्री के नाते मुझे जो अवसर मिला उस समय मैं किरण चौधरी जी के साथ, ठीक है, दो विपक्षी पार्टियों में रहने के कारण से था, विधानसभा में देखने में भले ही हम आमना सामना कर लेते थे, लेकिन थोड़ी देर बाद हमको पता लग जाता था कि हम क्या कहना चाहते हैं दूसरे को। इसलिए आज इस अवसर पर मैं प्रदेश की पूर्व मंत्री और दिल्ली सरकार में पूर्व डिप्टी स्पीकर, इनका पार्टी की ओर से, हरियाणा की ओर से दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं कि इन्होंने परिवार में अपने आप को शामिल किया है। और इसी प्रकार हमारी बेटी श्रुति चौधरी, पूर्व सांसद, इन्होंने भी आज पार्टी ज्वाइन की है, और संयोग ऐसा है कि हमारे सुरेंद्र नागर जी जो सह प्रभारी और श्रुति चौधरी एक ही समय में लोकसभा में हमें पार्लियामेंटियर थे। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक ठीक प्लेटफॉर्म उनको मिला है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि यहाँ नए पुराने का विषय नहीं होता, जब भी जो इस समुद्र में आके मिलता है वो समुद्र का हो जाता है, हम सब का बराबर सम्मान करते हैं। इनकी योग्यता के साथ से पार्टी में भी पूरा इनका सम्मान रहेगा, और आगे प्रदेश के हित में, देश के हित में जो जो काम पार्टी अपेक्षा करेगी, मैं जरूर एक प्रकार से भरोसा करता हूँ कि उस काम में लगेंगे। पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर भारत में कांग्रेस का सबसे बड़ा परिवार चौधरी बंसीलाल जी, कांग्रेस पार्टी की नींव को मजबूत करने के लिए अपना पूरा जीवन लगाया था, उस परिवार से और उस परिवार के साथ भारतीय जनता पार्टी का बहुत साथ रहा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जब वो उत्तर भारत में काम कर रहे थे, हमारे गठबंधन की सरकार थी, आज उसी परिवार से मेरी बहन किरण चौधरी जी जो 5 बार विधायक रही, हरियाणा में लोकसभा के सदस्य भी रही, हरियाणा में वो विपक्ष की नेता भी रही, और कांग्रेस पार्टी को पूरे देश के अंदर उन्होंने एज ए राजस्थान में ऑब्जर्वर और मुंबई में ऑब्जर्वर, इस नाते उन्होंने बहुत काम किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी में उनका आने पर उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। दूसरा हमारा जो बहुत बड़ा चेहरा
बहन श्रुति चौधरी जी, वो भी बंसीलाल जी के परिवार से हैं। स्वर्गीय बंसीलाल जी का उत्तर भारत में बहुत बड़ा योगदान है। भिवानी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही हैं, अभी हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्षा हैं, कार्यकारी अध्यक्षा हैं। मैं उनका भी यहाँ आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी की ओर से स्वागत करता हूँ। आदरणीय मनोहर लाल जी और माननीय सैनी जी के नेतृत्व में इनके साथ बैठना हुआ तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी, बहुत बड़ा परिवार और बहुत बड़ा वोट बैंक है। हमने तो केवल लिखित रूप से दो लोगों को सदस्यता दी और बाकी को सदस्यता, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में बाहर और अंदर लोग बैठे हैं, अलग से ही संजय म्यूक जी को, अलग से नागर जी को स्टार लगाना पड़ेगा। लेकिन मैं मानता हूं ये बहुत बड़ा समर्थक वर्ग है जो आज माननीय मनोहर लाल खट्टर जी और माननीय नैब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा है। मैं इनका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं दोनों बहनों से बात कर रहा था, जिस तरह ये इनके मन में हरियाणा के लिए, समाज के लिए काम करने की तड़प है, और इन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जो गरीबों के लिए किए जा रहे कार्य हैं, जो सबका साथ सबका विकास की सोच है, जो भारत को विकसित भारत बनाने का जो उनका संकल्प है, ये दोनों और इनके समर्थक प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को सामने रखते हुए, प्रधानमंत्री मोदी जी के गरीबों के लिए किए गए कार्य को सामने रखते हुए, देश की तरक्की का जो सपना लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी काम कर रहे हैं, उससे प्रभावित होकर ये आज भाजपा में शामिल हुए हैं। जैसा मनोहर जी ने कहा, नया पुराना कोई नहीं, ये तो वैसे भी पुराने हैं, पुराना साथ है, पुरानी सरकार चल रही है। पूरा विश्वास है कि ये जो हमारे परिवार में, भारतीय जनता पार्टी के परिवार में एक बहुत बड़ा आज समूह शामिल हुआ है, मैं उसका स्वागत करता हूं। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए, सबका विकास सबका साथ की सोच को आगे बढ़ाने के लिए, विकसित भारत को संकल्प को आगे करने के लिए हम सब लोग मिलकर काम करेंगे और इन्हें उचित सम्मान पार्टी में मिलेगा। श्री नायब सिंह सैनी जी से यात्राओं का स्वागत है। आज पार्टी में कांग्रेस की बहुत ही वरिष्ठ नेत्री और राजनीति में जिनका पूरा जीवन और परिवार का पूरा जीवन कांग्रेस को मजबूत करने में लगा है, आज किरण चौधरी जी ने और हमारी बिटिया श्रुति चौधरी जी ने शामिल होने का जो आज निर्णय किया, मैं पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते भी श्रुति चौधरी जी का और किरण चौधरी जी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। और एक विश्वास दिलाता हूं, प्रदेश के मुखिया के नाते भी, पार्टी के मुखिया के नाते भी, कि किरण चौधरी जी और श्रुति चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी एक परिवार के नाते हम मिलकर के हरियाणा को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। सम्मान बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से, क्योंकि आपके परिवार का जो एक्सपीरियंस है, आपका है, उससे भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी,
आज आप पूरे साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत। क्योंकि मैं देख रहा हूं बहुत सारे चेहरे यहां पर हैं, परंतु बहुत सारे चेहरे जो यहां पहुंचे भी नहीं है वो अभी बाहर ही है। एक बड़ा कार्यक्रम श्रुति चौधरी जी और हमारे किरण चौधरी जी वो करेंगे और सभी को एक मंच के ऊपर ला करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भी हम ग्रहण करेंगे। आप सबका जो आज यहाँ पर भी है और जो बाहर भी है, मैं किरण चौधरी जी का और श्रुति चौधरी जी का भारतीय जनता पार्टी के आगमन पर बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। मन में बहुत खुशी हो रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरित होकर जिन्होंने हमारे देश के भलाई के लिए ऐतिहासिक फैसले लिए और उसके कारण पूरे विश्व में भारत का नाम और भी चमकाया है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रेरित होकर और आदरणीय हमारे लीडर मनोहर लाल खट्टर जी लेकर आशीर्वाद लेकर उनके कार्य को देखकर कि किस तरीके से ईमानदारी के साथ जैसे चौधरी बंसीलाल ने प्रदेश चलाया था उसी तरीके से हमारे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि स्वयं आदरणीय मनोहर लाल जी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चौधरी बंसी लाल जी के साथ काम किया है। आज हमारे साथ जो लाखों मेरे भाई बहन जिन्होंने हमारे जीवन के हर पड़ाव में हमारा साथ दिया है, चौधरी बंसीलाल और चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के ईमानदार सिद्धांतों पर अपना आप सबने जीवन दिया है, आज उसी तरीके से मेहनत के साथ हम भाजपा में जुड़ रहे हैं ताकि देश और प्रदेश को मजबूती दे सके। इसी के साथ साथ मैं अपने नेतृत्व का मनोहर लाल खट्टर साहब का, चीफ मिनिस्टर साहब नायब सैनी जी का, यहाँ पे विराजमान आदरणीय तरुण चुग जी का, मेरे साथ रहे हुए पार्लियामेंट में सुरेंद्र नागर जी का और सारे लीडर्स का इस मौके के लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ। किरण चौधरी जी से बहुत ही आदरणीय और मेरे प्रेरणा स्रोत हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और आज केंद्र के अंदर बहुत ही तेजस्वी हमारे मंत्री, मेरे बड़े भाई या मेरे भाई
बड़ी ज्यादा बड़ी नहीं है, एक साथ ही बड़े फिर भी बड़े भाई का होता है। मनोहर लाल खट्टर जी हमारे बीच में, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री जी नायक सैनी जी हमारे बीच में, महामंत्री भाजपा के तरुण चुग साहब हमारे बीच में, हमारे मंत्री संगठन मंत्री नागर साहब जो श्रुति के साथ पार्लियामेंट में भी दोनों रहे हैं, और यहाँ पर तरुण भंडारी जी जिनका बहुत सहयोग हमारे साथ रहा है, संजय जी, और यहाँ आए हुए बहुत ही मेरे हर दिल अजीज, मेरे दिल के टुकड़े सभी मेरे साथ। आज ये फैसला इसीलिए लिया मैंने, प्रेरित होकर हमारा ये जो नेतृत्व बैठा है इनसे और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जिन्होंने विकसित भारत का एक संकल्प रखा, और ये विकसित भारत का संकल्प जो उन्होंने करा है 2047 तक का, ये आने वाले समय में मुझे पूर्ण विश्वास है कि हिंदुस्तान जो है वो विश्व के अंदर सबसे आगे बढ़कर चमकेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जनहित के ही नहीं देश हित के जो काम करें उसी के कारण आज तीसरी बार जो ये अपने आप में एक इतिहास है, दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार बनी है, और जो है उनके ये काम देखते हुए लोगों ने दोबारा से उनको ये जिम्मेदारी सौंपी है कि विकसित भारत को आगे जो है 2047 तक खूब तेजी से लेकर जाएं। इसी तरह से हमारे पूर्व हमारे मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई मनोहर लाल खट्टर जी, इनके साथ बहुत काम करा है मैंने पिछले 10 साल। विधानसभा के अंदर बहुत तल्खियां हमारे बीच में होती थी, लेकिन मैंने हमेशा देखा कि इतनी सहनशीलता, इतना जबरदस्त पकड़ अपने सभी कार्यों के ऊपर जो इनका रहा है, और जिस प्यार और मान सम्मान के साथ सबके साथ पेश आए हैं, मेरे तो ये सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत हैं, और इनका मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। इन्होंने जो हरियाणा के अंदर कायम करा, पहले तो ये बात मैं कह नहीं सकती थी, लेकिन आज कहते हुए संकोच नहीं होता। ये तो मैंने शुरू से कहा कि बहुत ईमानदार, बहुत ही कर्मठ और पार्टी से जुड़े हुए नेता ऐसे लोग कम होते हैं। और सच्चाई ये है कि जो ये खर्ची पर्ची वाला सिस्टम जो है, ये जो हमारे युवकों के लिए ये बहुत ही जबरदस्त सराहनीय कदम, आज हमारा युवक जो है देख रहा है हमारी तरफ, और उसको चाहिए इस तरह का नेतृत्व जो बिना खर्ची और पर्ची के साथ जिसको नौकरी मिले और जो आगे बढ़े, और मैं इसके लिए मनोहर लाल जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। नायक सैनी साहब हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, अब तो मैं भी जो है ये जो है गेरवे रंग के अंदर रंग गई, लेकिन ये रंग जो है आपको बताऊं मैं, ये चौधरी बंसीलाल जी का भी रंग था, और हमेशा मैंने तो दिल्ली की जब राजनीति करी, सुरेंद्र सिंह जी और बाऊ जी एक ही बात बताया करते थे, मनोहर लाल जी जैसे श्रुति ने कहा, मनोहर लाल जी ने और हमारे तेजस्वी जो है प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने बंसीलाल जी के साथ काम करा हुआ है, वो उनकी बातें अभी हम बैठे हुए थे अंदर कमरे में तो सारी बातें जो है बता रहे, तो जिस तरह से इन्होंने काम करा है,
जनता के हित के लिए करा है, ईमानदारी के साथ करा है। और चौधरी बंसीलाल जी का जो है हर तरीके से जो उनका नेतृत्व रहा है, आप लोगों ने जिस तरह से हरियाणा विकास पार्टी का विलय 20 साल पहले कांग्रेस पार्टी के अंदर हमने करवाया था, आज मैं आप सब से आह्वान करती हूँ कि नियत ईमानदारी के साथ आज हम यहाँ पर तिरंगा झंडा छोड़कर और दोबारा से कांग्रेस का झंडा हाथ वाला तिरंगा, वो राष्ट्रीय झंडा नहीं, हाथ वाला झंडा छोड़कर जिसके तले हमने बहुत मेहनत ईमानदारी के साथ काम करा है, आज भाजपा का झंडा जो है वो परचम जो है भाजपा का जो ये जो है हमारा नारंगी रंग का, इसको हम लेकर जाएंगे। और अंतिम क्षण तक, हमने वो काम करके दिखाना है कि आज जो मान सम्मान हमारे को ये नेतृत्व जो बैठा है उन्होंने दिया है कि हम हरियाणा के वो तगड़े सिपाही हैं कि आने वाले समय में भारी से भारी बहुमत के साथ हरियाणा के अंदर तीसरी बार भाजपा का पक्ष बुला नहीं पाई, एकदम ये कार्यक्रम हुआ आप देख रहे हैं। लेकिन जैसे मनोहर लाल जी ने और नायब सैनी साहब ने कहा कि अलग से प्रोग्राम करेंगे और ये सदस्यता ग्रहण वाला प्रोग्राम नहीं होगा, ये भाजपा को मजबूत करने का प्रोग्राम होगा। आज वो कहते हैं ना हाथी के पैर में सबका पैर, तो सदस्यता हम सबकी ग्रहण हो गई। आज से हमारा काम शुरू है, चौधरी बंसीलाल जी का नाम लो और भाजपा की नीतियों पे काम करो और शीर्ष नेतृत्व का जो है जय जयकार करो। और हरियाणा के कोने कोने से आए जो आज मेरे यहाँ पर मैं कार्यकर्ता देख रही हूँ, अपने अपने इलाके के अंदर जाओ और शुरू हो जाओ, तभी जो है चौधरी सुरेंद्र सिंह जी और चौधरी बंसीलाल जी को सच्ची श्रद्धांजलि हम लोग दे पाएंगे। आखिरी में एक ही बात कहूंगी कि बहुत ईमानदारी के साथ हम ग्रास रूट वर्कर की तरह भाजपा को मजबूत करने के लिए करेंगे काम। और जहां पे भी हमारा ये उपयोग करें, राजस्थान हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, वेस्टर्न यूपी हो, हम तैयार हैं। और एक मजबूत कार्यकर्ता के नाते जो है आपको मैं विश्वास दिलाती हूँ, मैं और श्रुति और मेरे सारे के सारे लोग जो आज यहाँ पर हैं और जो अनगिनत लोग जो आज नहीं आए और जो देख रहे हैं आज, सारे के सारे भाजपा को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाएं।